यानी यहाँ इसके दामन पे भी मेरी तो चिप से बहुत एलर्जी है, ज्यादा क्रीम कलर का है, तो मैं सोच प्लाजो मैंने स्टिच करे हैं। आपके 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स है बट व्यूज आपके उतने आते नहीं इसका। देखिए इधर, हेलो लंबा चौड़ा 3-4 घंटे का कहानी बना सकती हूँ। अब मैं ना सूट पहन के आपको दिखाती हूँ। एक्शन। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी याशु, वेलकम टू माय रैंडम व्लॉग। रैंडम मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो कि ये व्लॉग किस ओर तोर का है और किस तरफ जाने वाला है। एंड आई वांट टू से थैंक्स टू यू ऑल, आप लोगों ने लहंगा शॉपिंग वाले वीडियोस पे इतना सारा प्यार दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोग के कमेंट्स यार मेरे दिल में आके बस जाते हैं, मतलब आप इतने प्यार प्यारे सजेशंस देते हो, इतने प्यार प्यारे कमेंट्स करते हो, मेरे को लगता है ना कि यार वाओ, लाइफ इसी को बोलते हैं। मतलब अनजान होते हुए भी आप लोग मेरे बारे में इतने सोचते हो, मुझे इतना अच्छा सजेशन देते हो, इतने अच्छे अच्छे अपनी ओपिनियंस देते हो, ट्रस्ट मी मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड दिल से मैं आप लोग का थैंक्स करती हूँ। बहुत सारे शॉपिंग्स हैं जो कि मैं पिछले व्लॉग में भी बताई थी कि मैं उसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, उसके पीछे का कुछ फैमिली रीजन है इसीलिए। बाय द वे भी मैं थोड़ी बहुत रेडी शेडी हुई थी एंड मैंने व्हाइट काजल अप्लाई करे हैं बहुत थोड़ा सा, और मैंने मीशो से 3 सूट्स वगैरह मंगाई हूँ, तो मैं सोची कि यार इसको हॉल करते। एक्चुअली 2 वेस्टर्न आउटफिट है क्योंकि अभी मुझे बैक टू बैक बाहर भी जाने हैं, तो मैं सोची थी कितना शोर होता है यार, पता है जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तब या तो बाइक क्रॉस करेंगे या तो कुछ भी क्रॉस करेंगे और सब हॉर्न बजाते हुए यहाँ मेरे घर के पास से ही जाते हैं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है ना। एक्चुअली मेरा घर एकदम रोड पे भी नहीं है कि मैं ये बात बोल सकूँ कि हाँ सब मेरे लिए ही हॉर्न बजा के जाते हैं कि आश्विन अपना खिड़की खोलेगी एंड बाहर देखेगी। मैंने 3 सूट ऑर्डर करे, 2 वन पीस है एंड 1 सूट है, तो मैं तीनों को ही 1 by 1 ट्राई करने वाली हूँ। सो आई थॉट कि मैं इस ब्लॉग में भी उसे शेयर कर सकूँ। वैसे शॉर्ट में तो वो जाएगा ही, बोलते शॉर्ट्स वीडियोस में तो वो सब जाएंगे ही, बट या ब्लॉग में आने का भी एक अलग सा मजा होता है। एंड मेरे बाल अभी तक मतलब रफ माशाल्लाह नहीं हुए हैं कलरिंग के बाद भी, मतलब हाँ उन्होंने कलर बहुत अच्छा करे हैं। एंड या आई एम जस्ट लविंग माई हेयर, फैन बंद है, गर्मी में बैठ के मैं बकबक कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पता था कि फैन ऑन होंगे फिर बहुत ज्यादा आवाज आएंगी यार, मतलब आप लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं स्वेट को ना इसमें ऐसे ऐसे करके ऑब्जर्व करा ले रही हूँ। चलो 1 by 1 अपने ड्रेस को ट्राई करते हैं, आप लोग साथ शेयर करते हैं। जो सूट मैं अभी ट्राई करने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा क्रीम कलर का है, तो मैं सोच रही हूँ ये ग्रीन वाली इयररिंग्स पहन लूँ क्योंकि जब आपका कपड़े का बॉडी लाइट हो तो आपको कुछ डार्क ज्वेलरीज की तरफ जाने चाहिए, तो सिर्फ मैं ये वाले प्यारे लगेंगे इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे पहनती हूँ। जब से मेरे 6 वाले दिन से मेरे कान में इयररिंग नहीं गया था ना वो गोल्ड वाला, तब से मैं मोटे मोटे तिनके लगाने का कोशिश कर रही हूँ और हमेशा अपने कान में ना तिनका लगा के रखती हूँ ताकि यार मेरे ऐसे बंद ना हो जाए, क्योंकि बहुत गंदा ट्रेजिडी हुआ था, इयररिंग होने के बावजूद भी मैं पहन नहीं पा रही थी। एंड शादी वाले दिन तो भैया दुल्हन को कोई चिल्लाने भी नहीं देता है, जबरदस्ती पहनो ही पहनो, तो उतना पेन झेलने से बेटर है कि हम पहले से तिनका लगा के रखेंगे। And yeah, this earring is looking good. Oh my god, guys, this is my first outfit which is in cream color. तो मैं इसको बस आपको ऐसे दिखाती हूँ और अब मैं पहनने के बाद इसे आपको दिखाऊंगी। एंड क्योंकि अभी मेरे को ना बेसिकली वो शॉर्ट्स और रील्स के लिए शूट करना है, सो आई एम गोइंग टू शूट दैट क्लिप्स विद माई कैमरा, क्योंकि कैमरा से एक्यूरेट एग्जैक्ट वही चीज़ आता है जो है, जो दिख रहा है एंड ऑल वगैरह वगैरह वगैरह। तो यह मैं करके दिखाती हूँ एंड थोड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा सा स्वेट आ रहे हैं और मेरे को लगता है कि लिपस्टिक की कलर थोड़ी सी चेंज कर चाहिए, बहुत ऐसा चमक नहीं रहा है, चटक चटक सा मेरे को ऐसा कलर एक्चुअली मेरे स्किन टोन पे जाता नहीं है, बट मैं सोच रही थी कि हाँ लगाते हैं मैं, अरे यार मेरे डार्क वाले लिपस्टिक कहाँ चले गए, पता है मोस्टली मेरे साथ ना यही होता है, हाँ इधर ही है, थोड़ा सा ना इसके ऊपर से हल्का सा टचअप मार लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक्चुअली बहुत न्यूड कलर नहीं जाता यार मेरे लिप्स पे, या नाउ इट्स गुड। अब मैं ना सूट पहन के आपको दिखाती हूँ, एक्चुअली आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट सूट क्योंकि मैंने देखे हैं अभी इसका बहुत मस्त मस्त रिव्यूज चल रहे हैं इसीलिए, और वैसे भी अभी मेरे को मतलब शादी के लिए ना मेरे को बहुत सारे सूट चाहिए। देखो ऐसे मेरे को एक तरफ से लगता है ना कि बहुत सारे सूट खरीदना भी वेस्ट ऑफ मनी है बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू वेयर
एवरी सूट्स, और कुछ मंथ के बाद ना जो फैशन ट्रेंड होता है वो पुराना हो जाता है। मतलब अब फैशन ट्रेंड ऐसा हो गया ना कि हर 2-3 मंथ्स पे नए नए कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग सूट्स, ट्रेंडिंग आउटफिट्स, ट्रेंडिंग डिजाइन, ट्रेंडिंग डिटेलिंग्स निकल रहे हैं। तो जो आप 6 महीना पहले का भी जो कपड़े रहते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि यार कितना पुराना डिजाइन का हो गया। तो इसीलिए अब मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपकी शादी हो भी रही और आप सोचो कि बहुत भर भर के सूट खरीद लीजिए, तो यार ये वेस्ट ऑफ मनी है। ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद आप अपनी शॉपिंग्स खत्म कर दोगे या फिर शॉपिंग नहीं करोगे। मतलब मैं ऐसे कुछ सोच रही थी बहुत दिमाग लगा करके, एंड सच बताओ ना तो ये सब चीजें मतलब थोड़ी सी सोच बोझ के, सोच विचार करने के बाद ही करनी चाहिए। लेकिन हमारे क्या, हम लड़कियों का मन थोड़ी भरता है भाई शॉपिंग से, कबर्ड भरे पड़े हो, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हो, बट हमारे पास कपड़े नहीं होते और हमें कपड़ा खरीदना होता है। कपड़ा, कपड़े, एक्चुअली ये मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ना बहुत सारे लोग उंगली उठाते हैं, मत उठाओ। मेरे को पता है कि मैं बहुत सारे जगह पे गलती करती हूँ, गलतियाँ बोलती हूँ, बट मुझे मजा आता है कुछ कुछ चीजों में। यार हमें परफेक्ट क्यों होना है, गलती करके भी हम क्यूट लगते हैं, अच्छे लगते हैं। सो गाइस, दिस इज माई आउटफिट विच इज इन क्रीम कलर, बहुत ही ज्यादा ऐसा ऑफ सा कलर है, एंड दिस कलर इज सो गुड, फेयर कॉम्प्लेक्शन पे भी जाएगा यार, सारी कॉम्प्लेक्शन पे जाएगा। आप इसको जिस तरीके से कैरी करना चाहो कर सकते हो। द थिंग इज, इसका दुपट्टा नेट वगैरह नहीं है, ये चीज मुझे भी को अच्छा लगा था। मतलब बहुत गफ सा कपड़ा है, कुछ भी ऐसा सी थ्रू वाला कपड़ा नहीं है, ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगा था, इसलिए मैंने इसको लिखी। एंड इसके जो सलवार है, इसके जो पिजामे है, वो शरारा है, और नीचे बॉर्डर पे बहुत अच्छा वर्क दिया हुआ है। यहाँ देखो स्लीव पे कुछ इस टाइप का वर्क दिया हुआ है दोनों ही स्लीव में, ऑब्वियस ही बात है भाई कि दोनों ही स्लीव में वर्क देंगे ना। एंड यहाँ इसके दामन पे भी इस टाइप का वर्क है। ये वाले मोतियां जब लगे रहते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अंदर में आपको लाइनर दिया हुआ है, इस टाइप से अस्तर दिया हुआ है, बहुत काफी अच्छा कपड़ा है, एंड देखने से भी बहुत बढ़िया इसका लुक आ रहा है। तो मेरे को तो ये पसंद आया था, मैं तो भैया इसे रखने वाली हूँ। दुपट्टे के भी एंड पॉइंट पे दोनों तरफ इस टाइप की लटकने दी हुई है, तो ये चीज अच्छा है। दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई दोनों ही बहुत बढ़िया है यार। सो यार दिस इज सो गुड, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। हाँ एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्मी है, और गर्मी में यार देखो एक तो विदाउट एसी शूट करना बहुत बड़ा टास्क होता है, ऊपर से इस टाइप के कुछ भी कपड़े पहनो तो ऐसे लगता है कि हाँ भैया गर्मी तो है। ये देखो स्लीव, ये देखो यहाँ का वर्क, और बहुत बढ़िया है यार, और पूरे सूट का वर्क भी बहुत 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 बढ़िया है। सो आई एम जस्ट लविंग इट, मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। अगर आप लोग को चाहिए ये सूट तो मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे भी लिंक या कोड प्रोवाइड कर दूंगी। मीशो से ली हूँ मैं इस सूट को, 1600 के आसपास के ये सूट है, एंड दिस इज सो गुड, वर्थ बाइंग है, पैसा वसूल चीज है, क्योंकि काफी अच्छा लगा मेरे को। अगर इसमें आप देखो उल्टा मिल रही हूँ, इसमें अगर रेड कलर वगैरह मैं मंगाने का कोशिश करूंगी। एक्चुअली ये बहुत ऑफ सा कलर था ना, तो मुझे ऐसे कलर पसंद आते हैं, पर्सनली मेरे को ऐसे कलर पसंद आते हैं, बहुत शोवर से कलर लगते हैं, ऐसा कुछ चटक सा नहीं लगता है। एंड लिटरली ट्रस्ट मी, मेरे को उतना कुछ चटक कलर पसंद नहीं है, बट फिर भी मेरे ऊपर चटक कलर जम जाते हैं ना। पहली मतलब आई हैव लॉट्स ऑफ कलेक्शन, मोस्टली सारे ही कलर है मेरे पास, और मैं सबको ट्राई करती हूँ, माशाल्लाह सारे कलर्स खिलते हैं मुझ पे, जाते हैं मुझ पे, बिकॉज आई नो सो वेल दैट हाउ टू कैरी दैट कलर खुद पे किस तरीके से, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो इसको तो चेंज करूंगी भैया, एंड बस शूट को यहीं तक रख रही हूँ, दो कपड़े और उसको बाद में ट्राई करूंगी, क्योंकि अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत गर्मी है। सो फाइनली मेरा शूट डन हो चुका है, एंड आई टुक शावर, बिकॉज बिना शावर लिए हुए मेरा मन एकदम विचलित सा हो रहा था, और रात के 10 बज रहे हैं, मेरा शावर लेने का कोई टाइमिंग नहीं है। मैं जब शूट करती हूँ मैं तब शावर ले लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं शावर नहीं लेती हूँ ना तो शूट मतलब मेकअप्स वगैरह कहीं ना कहीं स्टक रह जाते हैं, अगर नेक पे भी स्टक रह जाते हैं, पता है बॉडी ऐसी चिपचिप सी होने लगती है, और मुझे वो चिपचिप से बहुत एलर्जी है। अगर मेरे हाथ में कुछ मीठा लग जाता है ना बाहर में, या फिर कुछ भी ऐसे आइसक्रीम वगैरह एक आध ड्रॉप भी अगर गिर गया ना, उसको जब तक मैं वॉश नहीं करती हूँ ना, मैं अपने उंगली को एक दूसरे पर टच नहीं करा सकती, मुझे इतनी ज्यादा इरिटेशन होती है। अभी पता है मैं कमेंट्स ऐसे रीड कर रही थी, तो कमेंट्स रीड करते करते मेरे को दो क्वेश्चंस दिखे जो मैं सोची कि चलो आंसर करना चाहिए। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है कि आपके डैड क्या वर्क करते हैं, तो मेरे पापा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर कैशियर हैं, और यही पटना में हूँ उनकी पोस्टिंग है, और पटना में वो हमारे साथ मतलब हम लोग सब फैमिली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ में रहते हैं, क्योंकि बिना पापा के यार अकेले रह पाना इज लाइक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अभी ये था, वो मेरे को बहुत फनी सा लगा, एक्चुअली उसका जवाब मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ। किसने किया था क्वेश्चन, अभी मेरे को नाम याद नहीं है, बट क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आपके 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स है बट व्यूज आपके उतने आते नहीं, इसका क्या रीजन है। देखो इसका रीजन ऐसे अगर मुझे जहां तक लगता है तो उसका रीजन ये है
कि मैंने शॉर्ट्स वीडियोस के अकॉर्डिंग मैंने अपने सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, मतलब मेरे शॉर्ट्स बहुत अच्छे वायरल हुए हैं, 35 मिलियन तक व्यूज गए हैं, 19 मिलियन, 20 मिलियन, ऐसे ऐसे पर वीडियोस पे व्यूज गए हैं। तो जब 19 मिलियन, 20 मिलियन व्यूज जाते हैं, 35 मिलियन एक वीडियोस पे व्यूज गए, तो उस वीडियो से मैंने 2.5 लाख से 3 लाख जो सब्सक्राइबर्स है वो गेन किए थे एक वीडियो से सिर्फ। तो इसी तरीके से आपके सब्सक्राइबर्स जो है सो गेन होते हैं, और जो शॉर्ट्स वीडियो से शॉर्ट मतलब एक मिनट का जो शॉर्ट वीडियो देख के जो लोग आपको आते हैं ना सब्सक्राइब करने, वो आएंगे आपका लॉन्ग वीडियो बस ट्राई करेंगे, अगर उनके मत्थे पड़ेगा तो वो देख लेंगे, क्योंकि यार आजकल लोग ना स्क्रॉल करना ज्यादा पसंद करते हैं और शॉर्ट्स में दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लोग बैठे रहते दिन भर स्क्रॉल करते हैं, बट कोई ये नहीं सोचता कि हम क्यों 15 मिनट्स तक अपने किसी का वीडियो देखें। तो इसीलिए शॉर्ट्स वीडियोज के अकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो गेन हुए थे, और अभी भी अगर मैं कंटिन्यूअसली एक दिन में 5-5 शॉर्ट्स डालने शुरू कर दूंगी ना, देन अगेन मेरे को 1 मिलियन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट फिलहाल मैं खुद पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, मेरे को अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, माइंड हेल्थ सही करना है, फिजिकल हेल्थ सही करना है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ऐसे शूट पे फोकस नहीं कर रही हूँ। स्क्रीन टाइम भी मैं थोड़ा कम करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे ना थोड़ा फिट रहना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, और बस इसी तरीके से छोटे मोटे मैं वीडियोस बस डाल दे रही हूँ। तो रीजन बस यही है कि जो शॉर्ट्स से जो सब्सक्राइबर्स हम गेन करते हैं ना, उनको लॉन्ग वीडियोस पे लेके आ पाना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आपको बहुत कलेश करना होगा, और मेरी कलेश वाली कहानियां लोगों को बहुत पसंद आई थी, जो फूफू वाली स्टोरी थी लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो अगर मैं उस टाइप की कलेश अपने लॉन्ग वीडियोज पे करती तो डेफिनेटली मेरे सब्सक्राइबर्स आ जाते, बट लॉन्ग वीडियोज पे मैं बिल्कुल नेचुरल रहना चाहती हूँ, जो चीज मैं हूँ जैसे लोग मुझे जानते हैं वो चीज़। और शॉर्ट्स पे तो यार शॉर्ट्स में क्या होता है ना कि लोगों को एंगेजमेंट चाहिए होता है, इसीलिए शॉर्ट्स वीडियोस पे मैं देखो मैं वल्गर आउटफिट नहीं पहन सकती हूँ, मैं क्लीवेज नहीं दिखा सकती हूँ, मैं अपना बैक पार्ट फ्रंट पार्ट ऐसे शो करके सब्सक्राइबर्स नहीं ले सकती हूँ, बट मेरे पास ऐसी स्टोरीज बनाने का हिडन टैलेंट है, मैं एक सीरियल को लिख सकती हूँ, मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, मैं लंबा चौड़ा 3-4 घंटे का कहानी बना सकती हूँ, ये खूबी मुझ में है, मैं एक सीरियल राइट कर सकती हूँ, तो ये सारी खूबियां हैं मुझ में, और बस इसी खूबी को हम रियल लाइफ पे अगर लेकर के आके बनाते हैं तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट मिलता है। तो उसी तरीके से मैं बस अपने सब्सक्राइबर्स गेन की थी, एंड देखो बोलते बोलते मैं कितना बोलती हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं बोलती हूँ, कोई काम धाम में वीडियोज़ में नहीं दिखाती, बस बैठ के बक 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 बक, इसीलिए मेरे व्यूअर्स भागते हैं, बट मैं क्या बोलूँ, मैं बोलने से ही परेशान हूँ। बाय द वे अब मैं आप लोगों से मिलूंगी कल, क्योंकि मेरा रूम पूरा मैस हो रखा है, 2 आउटफिट अभी भी हमने ट्राई नहीं करे थे, उसे इंशाल्लाह कल ट्राई करेंगे तो हम दिखाएंगे। बाय बाय, गुड नाइट, हाय एवरीवन, इट्स नेक्स्ट डे, कैसे हो आप सभी। और ये कल रात का व्लॉग बस पे वापस स्टॉप कर दी थी, अभी जस्ट मैं शावर ले रही हूँ, मैंने हेड वॉश नहीं किए क्योंकि आज मेरे को हेड वॉश करने का बिल्कुल मूड नहीं था, पता है ऐसे हो रहा है वेदर, मतलब धूप नहीं है लेकिन इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है कि एकदम हालत खराब हो रहा है। नीचे मेरी मम्मी खाना बना रही है, चलते देखते हैं मम्मी क्या बना रही है, एंड या हेलो मम्मी, इधर इधर देखती, बोली हेलो, देखिए इधर हेलो क्या बना रही है खाना, चिकन बनता है, चिकन और इधर पुलाव, वाओ मेरा फेवरेट, ये पता है स्टेन करके पहले ही रखा जाता है। मम्मी खाना बना रही है चिकन एंड पुलाव, और पुलाव बेसिकली बासमती चावल का बनता है जो कि बहुत अच्छा टेस्ट करता है, नफीस चावल का पता है बिरयानी बहुत अच्छा बनता है, बीच में हम लोग नफीस चावल का ही सिर्फ पुलाव खाना शुरू कर दिए थे, बट फिर जब बासमती का फिर से जब हमने पुलाव खाने शुरू किए तो बासमती वाला ज्यादा अच्छा टेस्ट कर रहा था, इसीलिए फिर से हम लोग ऐसे नफीस और बासमती में ऐसा हो गया। वैसे आप लोग कौन से चावल का पुलाव बनाते हो, लेट मी नो इन द कमेंट। गाइस आई जस्ट चेंज माय आउटफिट एंड दिस इज शट अप, चुप रहो एकदम, एंड दिस इज माय आउटफिट, ये फ्लेयर वाले प्लाजो मैंने स्टिच करे हैं, और 3 मीटर के कपड़े में ये आपको प्लाजो जो है सो स्टिच हो जाता है, एंड इस कुर्ती के साथ ये सही जा रहा है, क्योंकि अभी पीछे बिल्कुल भी ऐसा लेगिंग्स वगैरह पहनने का मन नहीं हो रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा है। हाँ तो अभी मैंने क्यों कपड़े चेंज किए, बिल्कुल भी मुझे ऐसा ना लेगिंग्स वगैरह पहनने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसको पहने हैं, एंड या ये वाला सूट का कपड़ा बहुत हल्का है, बिल्कुल इसमें गर्मी का पता नहीं चलता है, एंड नाउ आई एम फीलिंग कम्फर्टेबल विद दिस आउटफिट। बस बाहर अभी मेरे को इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ गिफ्ट बाई करने हैं,
तो मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ गिफ्ट भी बाय करने और उसके साथ साथ कुछ सामान भी खरीदने और इसके साथ साथ आज हमारे घर पे भी कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो मैं सबसे आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ। वेल लेट्स गो, बस लिप टिंट लगाऊंगी। स्किन पे कुछ भी नहीं भाई, नॉट पॉसिबल टू अप्लाई एनीथिंग क्योंकि बहुत आज एक्सेस गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है आज। गाइस आई एम डन और मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, अपने लोकैलिटी में जा रही हूँ। देखो पंखा बंद भी नहीं कर रही हूँ और बस मैं भागी दौड़ी पर रही हूँ। ये सूट का पता है फैब्रिक बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी इसमें गर्मी का एहसास नहीं होता है। वो जो इससे पहले जो मैं फ्रॉक पहनी थी यार बड़ा गर्मी लग रहा था, उसमें स्लीपर डाल लेती हूँ कोई भी पतला सा। हो पता है अभी बहुत कुछ का ये करना है यार, सबको सरियाना है बहुत। ये वाले पहनती हूँ अभी। पता है घर बहुत ज्यादा मेस्ट हो रखा है, लेट्स मूव। सो गाइज रवाना होते के साथ हम लोग पहुंचे यहाँ गिफ्ट कॉर्नर और ये गिटार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ये रियल गिटार था, बस साइज इसका बहुत छोटा सा था और इसका प्राइस मेरे ख्याल से 380 के आसपास में था और कोई बैटरी कोई चार्जेबल थिंग ये नहीं था जैसे असली वाला गिटार होता ना वैसे था। फिर यहाँ हमने देखे बहुत सारे फ्रेमिंग सेट्स जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन पता है इस फ्रेमिंग सेट्स का मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं पर्सनली अपने रूम में पिक्चर्स वगैरह नहीं रखती हूँ, फोटोज़ वगैरह नहीं रखती हूँ, मुझे डर लगता है, इसलिए जो चीज़ मैं खुद भी नहीं रखती हूँ वो चीज़ मैं दूसरों को भी नहीं देती हूँ। फिर यहाँ पर भैया ने कुछ सीनरीज वगैरह दिखाए, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाई जो कि मतलब अट्रैक्टिव लग रहे थे और ये वाले मतलब अच्छे लग रहे थे, बट मेरे को ना वो जो फ्लो करता है रियल में कुछ उस टाइप का मुझे सीनरीज ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे सीन्स वगैरह हो एंड ऑल ऐसे ऐसे हो। और उसके बाद फिर यहाँ शरबत सेट्स भी दिखाए भैया ने, सारा पद बोल रही थी मैं। ये वाले मिरर की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई लगी मुझे क्योंकि ये 1500 का मिरर था। इसमें भैया बोल रहे थे कि आप फोटोज़ लगा सकते हो पीछे से, इसमें लाइट्स जलेगा मतलब नाइट लैम्प के जैसा भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड ऑल दिस दैट। फिर मेरी नज़रें पड़ी यार ये वाले टॉय पे, चल छइयां छइयां टुनू नुनू जैसे बजता था ना बचपन में, और फाइनली हमने गिफ्ट ले लिए थे। और यहाँ मेरी मम्मी भी गई हुई थी मेरे साथ, फिर घर आया ना तो देखे यार ये प्यारी सी बच्ची आ चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी थी, जैसे मैंने इसे हल्का सा टच करा यार ये तो उठ गई। गाइस ये देखो जैसे अपने घर आई ये प्यारी सी बच्ची मिली मुझे, बेटो कर दो हाय, हाय करो हाय, माशाल्लाह बोल दे रहा हूँ। देखो मेरे को कितनी स्वेटिंग हो रही है, बाप रे। अरे बच्चू देखो हंस रही है बहुत बहुत क्यूट बच्ची है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। वारे यार बाबू 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 मुझे बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है बाबू। हेलो बच्चे के साथ खेलने के बाद फिर मैं निकल पड़ी बाहर क्योंकि मुझे फिर से उसी बच्ची के लिए कपड़ा लेना था और थोड़ी सी रात भी हो रही थी। इधर आप अपने लोकेलिटी में ही गए थे, यहाँ बहुत प्यारे प्यारे से मुझे कपड़े दिखे बट मैंने फाइनल उस वाले कपड़े को करे। उसके बाद फिर मैं यहाँ ये इयर रिंग्स का ना ये पेंच देख रही थी, मतलब इस पेंच से आपके कानों में आराम से इयर रिंग्स जा सकता है। हेलो चले के क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया